अबे तो देखिए दोस्तों, यानी कि एक तीर से 40-50 शिकार कर सकते हो आप लोग। ये हम हैं और ये हम हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संजू खनका ऑल इन वन में। तो दोस्तों, आज खलिया टॉप दर्शन के बाद हम लोग निकल चले हैं बृथी फॉल देखने के लिए, और वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से। तो दिखाते हैं हम आगे का नज़ारा आपको बृथी फॉल पर पहुँचते। पता है क्या कि अभी लोग बाग देख के आए थे तो बोल रहे हैं है उधर अच्छा है अभी भी, तो अभी हम उसी रोड पे निकले हैं। नीचे को लगाइए भाई साहब कैमरामैन, तो देखिए पूरी खाई है इस रोड से नीचे, ऐसे खाई के ऊपर ये खाई है, और यहाँ ये टॉप है उसका, ड्राइविंग काफ़ी टफ है दोस्तों, और जब भी ड्राइव करें बिल्कुल सेफली करें और स्पीड को कंट्रोल में करते हुए पूरे कांठे डाणे काणे सब इधर ही हैं। चलो दोस्तों अचानक ही बारिश हो गई है शुरू, तो देखते हैं, ये तो बड़ी समस्या हो गई हमारे लिए, अचानक ही बारिश का मौसम। ये है काला मुनि का मंदिर जो मैंने आपको ऊपर खलिया टॉप के वहाँ से जूम करके जो वीडियो दिखाई, तो हमने जाना है अभी। ये देखिए ऐसी रोड में यहाँ से, और इधर ही जाएंगे हम बृथी फॉल की तरफ। और अब सीधे चट्टान देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीधे सर ऊपर करना पड़ा है, टोपी गिर जा रही मेरी ऊपर देखने में, और बिल्कुल एक सिंगल पेड़ देखिए यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, वाह ऐसी भी सड़क है यहाँ। यहाँ पे रुके हम, यहाँ पे लंच कर लेते हैं तो फिर चलेंगे बृथी फॉल देखने। तो दोस्तों हम लोगों ने कर लिया है लंच, और ये प्यारा सा सेटअप भाई साहब का है हमारे, और कम्मू भाई हैं देखिए, और चैनल आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सब्सक्राइब करिए और भाई को सपोर्ट भी करो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये पहाड़ी बुला रेस्टोरेंट को आ सकते हो, मैप में सर्च कर सकते हो, ठीक है, और बिल्कुल खाना भी बहुत जबरदस्त और रेट भी बहुत जेन्युइन भैया, थैंक यू भैया, फिर मिलते हैं जल्दी से, ओके, नाइस टू मीट यू, ओके। तो दोस्तों ये है जगह बृथी, तो अब हम जाएंगे यहाँ पर से एंट्री करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे आपको बृथी का फॉल। तो देखिए बृथी का फॉल कैसा लग रहा है, देखा बताइए, ये है बृथी का फॉल, और अभी इसके सामने ही जाके आपको बिल्कुल सामने से इसका व्यू दिखाते हैं कि कैसा लगता है। ये है बृथी का गांव, जो कि मुनस्यारी से लगभग 26 किलोमीटर दूरी पे है, अबे ये देखिए दोस्तों, और थोड़ा नज़दीक से, तो इसका मैं आपको एक मिनट थोड़ी देर के लिए स्लो मोशन भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है बृथी का फॉल, चलिए इसका भी मैं आपको स्लो मोशन दिखा देता हूँ। तो ये देखिए जो आप ये कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे हैं, इसमें ग्लास ब्रिज बन रहा है बोल रहे हैं, तो फिर तो दोस्तों मज़ा ही आ जाएगा भाई गॉड, फिर तो और आना बनता है इधर, और भी नज़दीक से। हम बिल्कुल इसके करीब आ गए, लेकिन पूरा नहीं दिखा पाएंगे, इसकी जो बूंदें हैं मेरे चेहरे पे आ रही हैं पूरी,
देखिए, और इसकी पूरी हवा तक यहाँ तक आ रही है। ये देखिए, और ये यहाँ पे गिरेगा और यहाँ से बहते हुए इधर चला जाएगा। तो देख लीजिए, की करते थे मैं तुला आज में गांव तो पूछ ले करो आज ये दबड़ आ रहे मेरे हस्बैंड बेटे तो भाई आज नदी में नदी में भाई हम तीन ना खाने में वो तो चाहत में लग गई हां अबे ठीक बोल तुम आज से यार वहां साल को बोल तुम ये बात उन में 5 साल बाद तुम भेटने। तो अब हम लोग निकल चले वापस जाएंगे मुनस्यारी की तरफ हम, लेकिन रास्ते में एक स्पॉट और पड़ता है, उसको दिखाएंगे, वहीं जाके बताते हैं आपको हम जा कहाँ रहे हैं इसके बाद हम नेक्स्ट। बस आप बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते रहेंगे आपको एक से एक ज़बरदस्त जगहें या जगह। हम आ गए हैं वापस और हम आज यहाँ पे करेंगे नाइट होल्ड। देखिए, यह है थामरीकुंड नेचर ट्रेल। कल हम यहाँ की ट्रैकिंग करने वाले हैं, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, आपको दिखाया जाएगा। क्योंकि आज थक गए खलिया टॉप से आते आते मेरे पांव इतने दर्द करने लग गए, पूछे मत, गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा है। कहाँ तो अब दूसरा ट्रैक नहीं कर पाएंगे अभी। तो ये देखिए, और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, जौलजी भी है 78 किलोमीटर और मिलम ग्लेशियर यहाँ से बीच से रास्ता कट जाता है जो कि 84 किलोमीटर और मुनस्यारी यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो है ये हनुमान मंदिर है और ये आगे का व्यू। और मैं दिखाता हूँ, एक शख्स यहाँ पर थक गए हैं अभी। ये देखिए, चाय की हो गई है तैयारी, सुसाट बुबाट सुन ही रहे होंगे आप। और ये हमने डाल दिया अपना सामान आगे और आपको दिखाता हूँ। अब धुंध लगी पड़ी है आज, ये देखिए ये है सामने का नज़ारा। और कल हम ट्रैक करेंगे यहाँ से। तो दोस्तों, अभी करते हैं हम लोग खाने पीने की तैयारी, करेंगे थोड़ी देर में, और पहले चाय पी लेते हैं सबसे पहले तो, ताकि रिफ्रेश हो जाएं मज़े से। अंदर देखिए सामान हमारा, ये कनस्तर, ये ऐसे करके हमने बिल्कुल जो सीट का यूटिलाइजेशन कर रखा है। और ये पूरा चार्जिंग का आइटम देखिए, और जो मैं कल दिखा रहा था आपको, मेरा ये इन्वर्टर है, इसमें से दोस्तों दो तो ये सामने पे LEDs जलती हैं, उसके बाद तीन ये पोर्ट हैं, इसमें से तीन बल्ब हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये सोलर एनर्जी का सॉकेट, प्लस यहाँ पे ये बैटरी अपना मोबाइल चार्जिंग का। और मोबाइल भी इतने ज़बरदस्त प्यार से चार्ज हो रहे, पूछिए मत। आईफोन अप्रोक्स 40 से 45 मिनट में मेरा चार्ज हो जा रहा है इससे, तो ज़्यादा हमको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है। दोस्तों, शाम के खाने की करते हैं तैयारियाँ, तो ये कर दिया सेटअप। और ये मेरा मल्टीपर्पज टूल, यानी कि इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं आप, यानी कि एक तीर से 40-50 शिकार कर सकते हो आप लोग। तो करते हैं हम खाने की तैयारी, उसके बाद अभी देखते हैं क्या बनाते हैं, दिखाते हैं आपको। तो कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों, आज हमारी बुआरी यानी कि बहू बना रही है, देखिए सर्दी छाँ हो गई है, आज बहू बनाएगी। क्या बन रहा है बहू आज? खिचड़ी। अरे आज हम खिचड़ी खाएंगे, राष्ट्रीय भोजन। चलो अच्छी बात है, आज यही करेगा जो भी करेगा। ये बुआरी हमारी खिचड़ी बनाने लग गई, पानी डाल अब इसमें। शोर की है बुआरी, बोल देना एक बार। अरे बुआरी हमारी बेशोर की तो नहीं है, थोड़ा सिखा रहे हैं इसको। और डालते रहो पानी। हम आज लटपट वाली खिचड़ी खाएंगे, बस हो गया, मज़ेदार। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे खिचड़ी बनने के बाद। खान भगत आज या तुम ले।
देखिए हमारी खिचड़ी है तैयार, अब हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, तो लेते हैं आपसे विदा आज के लिए, और फिर मिलते हैं आपको अपने नए वीडियो में बिल्कुल जोश और जुनून के साथ। और फिर आज देख ही लिया होगा, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, जो थोड़ी मैंने गाड़ी की लोकेशन चेंज कर दी अभी, तो ये है यहाँ पे, हाँ अभी यहाँ पे हमने लगा दी है, और यहाँ से पूरी रोड छोड़ के इतनी दूरी पे, और यहाँ पे आज रात हम बिताएंगे हनुमान जी की शरण में, और यहाँ से पूरा एरिया ये धूप अंधेरा छा गया है। तो हम लोग खाते हैं खिचड़ी और कल चलेंगे हम अगले अपने ट्रैक पे, यानी कि थामरीकुंड। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।